हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैं अभी किचन में आई थी ना, किचन के बाहर ही हूँ। किचन एक्चुअली ओपन है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, अंदर हूँ कि बाहर हूँ। तो अभी मैं जा रही थी, एक्चुअली क्या था, एक मिनट। हाँ जी, तो मेरे पास रात की सब्जी पड़ी हुई है पनीर की, तो वही मैं निकाल के लेके आई हूँ अभी फ्रिज से। और उसके बाद फ्रिज से निकाल के लेके आई हूँ, और उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ राइस बना लेती हूँ। बहुत गर्मी है ना, तो रोटी खाने का बहुत ही कम मन करता है। और तो बस मैं अभी बनाने जा रही हूँ, राइस बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम नाश्ता में आज बस मैं राइस ही बना रही हूँ। तो उसके बाद मैं खाना खाऊंगी और फिर चलिए मिलती हूँ थोड़ा टाइम बाद। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्जी निकाल के लाई हूँ, जो मैं फ्रिज में रख दी थी रात में, और मैं बनाने के बाद तुरंत रख दी थी। हम लोग खाना खा के रख दिए थे। तो होता है ना कि जो पसंद वाली सब्जी होती है या फिर कोई भी पसंद की चीज़ें होती हैं, तो उसको फेंकने में बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पे ये दही है, और दही भी बहुत अच्छे तरीके से बना है। और अगर मैं शाम को सब्जी बनाती हूँ ना, तो सुबह अगर बचता है तो मैं उसको रख देती हूँ, क्योंकि हम सुबह में उसको नाश्ता कर सकते हैं, और फ्रिज में रखने पर ख़राब भी नहीं होता है चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैं वेजिटेबल वगैरह सेट कर रही हूँ। तो मैं कल रात में गए थे हम लोग सब्जी लेने के लिए मंडी गए थे, तो स्पर्श अभी फ़िलहाल ठीक है और वो ठीक हो गया। लेकिन हम कल जब मंडी गए थे ना, तो कल रात में वहाँ मंडी जब हम सब्जियाँ वगैरह ले लिए, उसके बाद उसको वोमिटिंग वोमिटिंग आ रही थी, क्योंकि तो वहाँ पे वो वोमिटिंग करने लगा था। उसके बाद फिर हम लेके आए, दवाई वगैरह दिए, लेकिन अभी से दोपहर तक वो ठीक था। तो मैं दोपहर के बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज उसी में मैं इसी वजह से सब्ज़ी भी नहीं सेट की थी, उसी के पास मैं बैठी हुई थी। क्योंकि दो दिन ब्लॉग नहीं बनाई, तीसरे दिन का ये ब्लॉग है, तो मेरे पास ब्लॉग था, तो इसी वजह से मैं। तो यहाँ देखिए स्पर्श लेमन से खेल रहा है, और यहाँ पे मैं पॉली बैग से सब्जी वगैरह निकाल के उसके बास्केट में डाल रही हूँ, और मैं ये डाल रही हूँ तोरी। तो बहुत सारी सब्जियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हफ्ते भर की हम सब्जियाँ लेके आते हैं। और यहाँ पे देखिए खीरा है, भिंडी है, ये सब गोभी है, ये सारी सब्जियां हैं। और स्पॉर्च को मैंने एक्चुअली ना लेमन दिया है, तो वो उसी से खेल रहा है, और लेमन से थोड़ा बहुत ना उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ वेजिटेबल में अगर मैं उसको बुलाऊँ यहाँ पे, तो वो वाटरमेलन उठाएगा जूस पीने के लिए। इसी वजह से मैं अपने पास उसको नहीं बुला रही हूँ, क्योंकि वो फिर बोलेगा कि मुझे जूस पीना है। और डॉक्टर ने भी मना किया है कि वाटरमेलन का जूस उसको नहीं देने के लिए, लाइट खाना जैसे खिचड़ी वगैरह देने के लिए। तो उसके लिए मैं खिचड़ी बनाई थी दोपहर में, थोड़ा सा बना दी थी, और रात में भी मैं थोड़ा सा उसके लिए बना दूँगी खिचड़ी। और बच्चा है ना, तो वो खिचड़ी खाना भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और ये वाले कपड़े में मैंने वहाँ बार बार स्पर्श को कर रही हूँ कि आप मत फैलाओ नींबू को। और यहाँ पे मैं जो हरा धनिया है ना, उसको मैं ऐसे कपड़े में ही लपेट के रखती हूँ, तो ख़राब नहीं होता है। या फिर मैं प्लास्टिक के डब्बे में उसको रखती हूँ ना, तो भी वो 15 दिन तक फ्रेश रह जाता है। तो डब्बे में रखने से वैसे ज़्यादा, लेकिन मुझे आजकल गर्मी है, तो सारे सब्जियों में धनिया पत्ती डालती हूँ, तो इसी वजह से मैं कपड़े में ही रखी हूँ। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली ना थोड़ी सी सिलाई करनी थी, तो यहाँ पे मैं मशीन निकाली हूँ, और मुझे कुर्ती की फिटिंग करनी थी, तो इसी वजह से मैं निकाली हूँ अभी मशीन। और यहाँ पे देखिए जो रील होता है ना, जो नीचे हम लगाते हैं, उसमें मैं इसमें धागा को भर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए नीचे से एक्चुअली, और मैं फ़र्श पे ही रख के ये कर रही हूँ आज, मैं टेबल पे नहीं रखी हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है, तो इसी वजह से मैं नीचे ही बैठी हूँ। तो यहाँ देखिए इसमें पूरा जो धागा है वो भर गया है, ब्लैक कलर का मैं कर रही हूँ, एक्चुअली ब्लैक कुर्ती है, तो उसी वजह से मैं ब्लैक ही लगा दे रही हूँ ऊपर भी, सॉरी ब्लैक नहीं है, ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर की मुझे सिलाई करनी थी। तो ये वाली जो मशीन है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया मुझे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ आंगन में, और यहाँ पे मैं जूसर जो है ना उसको वॉश कर रही हूँ, और एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ना इस पर डस्ट आ गया था इसी वजह से। और यहाँ पे इस फर्स्ट साइड में खड़ा है, तो वो जानता है ना कि मैं यहाँ पे कैमरा लगाई हूँ, तो वो नहीं आ रहा है, और बीच बीच में कभी कभी आ जा रहा है, लेकिन फिर वो वापस चला जा रहा है। तो वो बस देख रहा है कि मैं जूसर को वॉश कर रही हूँ, और जूसर देख के वो बहुत खुश होता है, क्योंकि जब इसमें जूस निकलता है ना, तो जितने देर मैं जूस निकालती हूँ वो बैठ के देखता रहता है। इसी वजह से मैं जब जूसर को साफ़ कर रही हूँ, तो उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है, और काफ़ी अच्छे से देख रहा है वो। तो मैं साफ़ इसलिए कर रही थी कि जब मैं घर गई थी ना, तो इसको बाहर ही छूट गया था, और होता है ना कि घर जाओ ना, तो उस टाइम पे पता नहीं चलता है, और मतलब कोई सामान तो बाहर रह ही जाता है, उतना हम नहीं देख पाते, क्योंकि जल्दी जल्दी भी रहती है, पैकिंग भी करनी होती है, तो इसी वजह से बाहर ही छूट गया था। तो डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा जम गया था, तो मैं इसको वॉश कर रही हूँ और सुखा के फिर
मैं इसको रखूंगी, क्योंकि आजकल जूस वगैरह नहीं निकाल रहे हम, तो इसीलिए। और इसमें हम अनार का जूस, मौसमी का जूस, इस टाइप के जूस, ऑरेंज का, ये सब हम निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकल जाता है, बहुत ही अच्छा जूसर है। और इसमें हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हम बीच में से कट करते हैं दो टुकड़े में, और उसके बाद रख के और प्रेस कर देना होता है, और जूस बहुत ही अच्छे से बीच अलग हो जाता है, बस जूस निकल जाता है। बहुत बहुत ही अच्छा जूसर है ये, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो एक्चुअली मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद आ रहा है, मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, तब याद आ रहा है कि मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैं इसकी इसका रिव्यू करूँ, तो मैं मुझे अभी याद आ रहा है, तो मैं बहुत जल्दी इसकी रिव्यू करूँगी। और मुझे इतने दिन से बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे करना है इसका रिव्यू, बट मैं बहुत ही जल्द करूँगी इसकी रिव्यू। अगर मुझे नहीं आ रहा है तो प्लीज़ फिर आप लोग याद दिला देना। और इसमें से पानी डाल के मैं वॉश कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था, और स्क्रबर, इसी वजह से मुझे स्क्रबर से साफ़ करना पड़ा, क्योंकि कभी होता है ना कि हम पानी से अगर मैं धो देती ना, तो कुछ मतलब गंदगी वगैरह चिपकी रहती है, तो मैं थोड़ा सा सर्फ लगा के उसके बाद फिर मैं वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो भी गंदगी थी, तो वहाँ से मैं पानी से गिरा के और फिर साफ़ कर रही हूँ, और स्पॉन्ज खड़ा होकर देख रहा है मुझे, और मैं अपने पैरों को भी साफ़ कर ले रही हूँ पानी से। उसके बाद फिर मैं इसको सूखने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद मैं इसको डालूँगी मैं डब्बे में। तो ये वॉश हो गया, और अब मैं भी ठीक गाइस। अभी क्या था ना, मैं जूसर को वॉश कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था वो, और एक्चुअली आवाज़ नहीं आ रही है, हाँ मैं अभी जूसर को वॉश कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा ही गंदा हो गया था, क्योंकि जब मैं घर गई थी ना, तो इसको डब्बे में, स्पर्च नहीं, जब मैं घर गई थी तो इसको डब्बे में मैं डाल के नहीं गई थी, ऐसी जस्ट चली गई थी, तो खुला था, तो बहुत सारे डस्ट वगैरह उस पर चिपक गए थे, तो इसी वजह से मैं उसको स्क्रबर से साफ़ की हूँ, ताकि अच्छे से निकल जाए, फिर उसको डब्बे में रखूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पर ना हम जूस नहीं निकाल रहे हैं। जब भी कुछ भी आएगा, अनार आएगा, जब भी आएगा, अभी फिलहाल हम नहीं लेके आ रहे हैं हफ्ते दो हफ्ते से, तो उसके बाद में उसको फिर डब्बे से निकाल के फिर उसका जूस निकालू, काफ़ी डस्ट हो जाता है ना, फिर बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, पीने का भी मन नहीं होता है, इसी वजह से मैं उसको अभी वॉश की हूँ। अभी जा रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी काम है अभी करने के लिए, और सब्जी वगैरह अभी मैं सेट की हूँ, सब्जी आया था तो वो मैं अभी फ्रिज में डाली हूँ। गाइस गुड इवनिंग, और जस्ट मैं अभी बैठी हूँ सब्जी वगैरह लेके काटने के लिए रात के लिए, और मैं कल के लिए भी मॉर्निंग के लिए हस्बैंड को मैं रात में ही काट के रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मॉर्निंग में जाते हैं तो उस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कट करने के लिए सब्जी, तो इसी वजह से मैं ये सब लेके बैठी हूँ। ये तोरी लेके बैठी हूँ जो मैं वॉश कर ली हूँ, और ये लेके बैठी हूँ मैं, ये भिंडी है, तो मुझे भिंडी इस टाइम पे बनाना है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भिंडी पसंद है, तो हम कभी कभी भिंडी ना 1 kg तो रहता है, कभी कभी हम 1.5 kg या 2 kg भी भिंडी लेके आते हैं, तो ये दोनों मुझे कट करना है। आलू सॉरी, ये मैं प्याज और लहसुन सब लेके बैठी हूँ, तो मैं बता दूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा है ना इस टाइम पे, कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। जब मैं थोड़ा सा जैसे भारी चीज़ वगैरह मैं उठा देती हूँ ना, तो बकेट वगैरह में ज़्यादा पानी रहता है, तब मैं अगर उठा देती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही हो जाता है, और मैं काफ़ी देर से लेटी हुई थी अभी, और अगर मैं नीचे जैसे यहाँ बैठी हूँ ना, यहाँ फर्श पे मैं यहाँ पे गद्दे पे डाल के बैठी हूँ, तो यहाँ से मैं उठती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ही बैक पेन हो रहा है, मतलब एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा बैक पेन हो रहा है। तो फिर शाम को ये आते हैं ना, फिर मैं जाऊंगी, देखती हूँ डॉक्टर के पास जाऊंगी, या फिर कुछ दवाई वगैरह ये लेके आएंगे, फिर मैं खाऊंगी। और यहाँ पे स्पॉन्ज बैठा है, तो चलिए पहले वेजिटेबल कट कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं कट करूंगी ना तो फिर, तो आप लोग मेरे से पूछते हो जब मैं भिंडी कट करती हूँ, तो मैं अभी भिंडी लेके आई थी, तो मुझे याद आया कि मुझे बता देना चाहिए आप लोग को, कि अगर मैं जब भिंडी कट करती हूँ, तो आप लोग बोलते हो कि मैं बीच में से भिंडी को कट नहीं करती हूँ, जैसे लाइक मैं ये कट कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो मैं बीच में से कट नहीं करती हूँ, तो हमारा ना, जैसे हम भिंडी बनाते हैं ना, सब अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं, कभी कभी हम बीच में से भी ऐसे कट करके भी बनाते हैं, तो आप लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे कट करके आपको पता चल जाएगा इसमें वॉर्म है कि नहीं, इसमें कुछ भी है नहीं, और एक्चुअली हम ऐसे भी कट करते हैं ना, तो भी हमें पता चल जाता है, अगर हमें थोड़ा सा भी ब्लैक दिखता है, कहीं भी कुछ खराब दिखता है, तो मैं वो भिंडी को कट नहीं करती हूँ। तो ये कमेंट में बताना बहुत ही मुश्किल था कि मैं कैसे कट करती हूँ, तो लाइक हम जब इस टाइप की हम सब्जी भी बनाते हैं, ऐसे कट करके भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, तो हम जो भिंडी की सब्जी बनाते हैं ना, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो जब ऐसे बनाना होता है, तो इसका टेस्ट हम जो बनाते हैं उसका अलग होता है, थोड़ा सा हम राई वगैरह डाल के बनाते हैं, और जब ऐसे भिंडी बनाते हैं ना, तो इसमें हम प्याज लहसुन वगैरह डाल के बनाते हैं, तो इसका टेस्ट दूसरा होता है। तो हम 4-5 तरीके से भिंडी की सब्जी बनाते हैं, तो बहुत लोगों ने मेरे से बोला था कि भिंडी मैं इस तरीके से बनाती हूँ, खराब हो जाएगा, आप लोग खराब खाते हो, ठीक है, तो यही था रीज़न, बाकी कुछ भी है नहीं, हम दोनों तरीके से हम कट करते हैं।
तो यहाँ पे मैं ऐसे भिंडी कट कर रही हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें कीड़े नहीं हैं, क्योंकि जब मैं कट करती हूँ ना तो देख के ही कट करती हूँ। बहुत ही कुछ लोगों ने तो इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए थे ना, क्योंकि मैं भिंडी की सब्ज़ी अक्सर दिखाती हूँ काटते हुए। कुछ लोगों ने बोला था कि आप वर्म्स देख लेना, बहुत ही प्यार से बोला था। और कुछ लोगों ने बोला था मुझे कि आप कीड़ा खाते हो, आप गंदा खाते हो, मीन्स आप लोग ऐसे ही खा जाते हो। तो बहुत ही मैंने उसका एक्चुअली मैंने रिप्लाई नहीं किया था, बट इसीलिए मैं आप लोग को आज बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हो कैसे कट करती हूँ। और यहाँ पे ये अरबी है, तो ये मैंने नहीं छिलाई, मेरे हस्बैंड ने छीला है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ही खुजली होती है हाथ में। तो ये मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ इस टाइम पे, और मैं नहीं खाती हूँ, हस्बैंड के लिए एक्चुअली मैं बना रही हूँ। तो मैं खिचड़ी खाऊंगी मैं भी, और इस पॉच के लिए भी। तो यहाँ पे मैं मेथी डाली हूँ, और उसके बाद मैं ये फ्राई कर दे रही हूँ ऑयल में। और जो भी ऑयल थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि इसी में मैं प्याज वगैरह सब इसी जो ऑयल बचेगा ना इसी में बना लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा बचे या ज़्यादा बचे, क्योंकि ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ, तो बस इससे ज़्यादा मैं ऑयल इसमें नहीं डालने वाली हूँ। तो प्याज मिर्च टमाटर वगैरह सब कुछ मैं कट करके रख दी हूँ। और यहाँ पे अरबी जो है वो फ्राई हो रहा है, जब रेडिश थोड़ा सा रेड हो जाएगा ना, पिंक टाइप में कलर इसका आ जाएगा, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। फिर इसी में मैं प्याज वगैरह जो भी ऑयल बचेगा उसी में मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए लहसुन प्याज मिर्च और टमाटर वगैरह सब कुछ मैं कट करके रखी हूँ, और मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी। सो गाइस, मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।